असलकम स्टूडेंट्स होप आप लोग ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा अबाउट वॉट इज़ अनर्जी देखा कि अनर्जी की डेफिनेशन क्या है उसके फिर हमने यूनिट्स देखे अनर्जी की डेफिनेशन देखी थी फिर उसके यूनिट्स देखे थे फिर हमने देखा था कि वॉट आर मेजर एंड माइनर अनर्जी सोर्सेज उसमें रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल की भी टर्म यूज़ हुई थी हमने देखा था कि कौन से अनर्जी सोर्सेज नॉन रीन्यूएबल हैं और कौन से रीन्यूएबल हैं तो उसका हमने एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लिया था आज हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके टॉपिक जो है ये आपके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है तो हम इसे डिटेल से फॉलो करेंगे आज का जो हमने कंटेंट आपके साथ शेयर करना है वो है नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज नॉन रीन्यूएबल इसलिए क्योंकि ये लिमिटेड है इनके जखीरे ये जो सोर्सेज हैं एक दफ़ा ये ख़त्म हो गए तो फिर ये दोबारा हमें नहीं मिल सकते वंस डिप्लीटेड दे कैन नॉट बी रिटर्न उसके बाद इनको कन्वेंशनल भी कहा जाता है मेजर भी कहा जाता है कन्वेंशनल और मेजर इसलिए कहा जाता है कि ज़मीन पर जो एनर्जी की ज़्यादातर ज़रूरत है वो इन्हीं सोर्सेज से पूरी की जा रही है तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कौन कौन से सोर्सेज आते हैं फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रल पावर और न्यूक्लियर एनर्जी फॉसिल फ्यूल स्टूडेंट्स कहा जाता है कोयले को कुदरती गैस को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को और ये जो तीनों मैन्युफैक्चर होते हैं या जो तीनों हैं ये पाए जाते हैं आफ्टर बरिंग अप ऑफ डेड एनिमल एंड प्लांट्स बॉडीज के जो जेर जमीन मुर्दा या गले सड़े जानवर और पौधों की बाक्यात होती हैं जब वो जेर जमीन धंसने के बाद अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ओवर मिलियंस ऑफ ईयरस एक दो साल की बात नहीं है कई कदीम साल पहले जो बॉडीज नीचे एनिमल्स और प्लांट्स की धंस जाती हैं आफ्टर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर उनमें जो चेंजेस आते हैं दे गेट कन्वर्टेड इन कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे उसके बाद है हाइड्रल पावर हाइडल पावर कहते हैं पानी से पैदा होने वाली एनर्जी को जिसे हम बिजली भी कहते हैं फिर है न्यूक्लियर एनर्जी स्टूडेंट्स आपको पता है अटोमिक एनर्जी का दौर है अब अटोमिक एनर्जी के उसको हम अच्छे पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं बुरे के लिए भी कर सकते हैं ये आपकी अपनी इंटेंशन पे है एंड इट इज रिकमेंडेड कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पज के लिए यूज करें बिकॉज इट इज अ वास्ट रिजर्वायर ऑफ एनर्जी इफ यूज फॉर अ पॉजिटिव पर्पज तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट फॉसिल फ्यूल्स के फॉसिल फ्यूल्स की डिटेल आपने कैसे करनी है बुक में स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पैराग्राफ इंफॉर्मेशन के लिहाज से है कि फॉसिल फ्यूल कहते किसे हैं तो आप इतनी डिटेल अगर कर सकते हैं तो ठीक है अदरवाइज इसको रीड कर लीजिएगा और यहां से फिर आपने शुरू करना है फॉसल फ्यूल्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेजर मटीरियल्स सबसे पहले आ जाता है कोयला ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स अब कोयला जो है ये गले सड़े या जो पौधों के बाकी आते हैं उनके जमीन में धंसने के दौरान जब वो धंस जाते हैं तो उस दौरान फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स लाखों करोड़ों साल गुजरने के बाद वो जो चेंजेस आते हैं उसमें केमिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर प्रेशर उसके नतीजे में बनता है लेयर्स ऑफ रोटिंग प्लांट्स वर प्रेस्ड मोर एंड मोर टाइटली टुगेदर पीट लिगनाइट एंडली जेर जमीन कोयला बनने से पहले पीट बनता है लिग्नाइट बनता है ये उसके बनने से पहले की हालत हैं एंथ्रेसाइट जो है स्टूडेंट्स वो सबसे और सख्त तरीन कोयले की किस्म है इस 400 मिलियन ईयरस ओल्ड इट प्रोवाइड्स अबाउट 30 परसेंट ऑफ ऑल द एनर्जी यूज्ड इन द वर्ल्ड इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील उसके बाद एनर्जी प्रोफाइल फॉर पाकिस्तान लिखा हुआ है यर्क ये एक इंफॉर्मेटिव टेबल है ये आपने करना है कि 1947 में कोयले से 59 परसेंट बिजली पैदा हो रही थी पानी से 3 परसेंट और ऑयल से 38 परसेंट और 2009 में कोयले से जितनी बिजली पैदा हो रही है वो जस्ट सेवन पॉइंट सिक्स है यानी कि पहले कोयले से ज्यादा एनर्जी ली जा रही थी उसके बाद सेकेंड जो फॉसिल फ्यूल का सोर्स है वो है पेट्रोलियम पेट्रोलियम द वर्ड पेट्रोलियम लिटरली मीन्स रॉक ऑयल इट इज अ थिक डार्क ऑयली लीक्व कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पेट्रोलियम है स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है पेट्रोलियम यहाँ तक कर लें इसको बस अच्छा उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है नेक्स्ट लाइन काट दें यहाँ से करेंगे ऑयल वॉज फॉर्म्ड इन अ सिमिलर वे टू कोल प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड इन द सी सैक डाउन द सी बेड वेन दे डाइड जिस तरह मैंने कोयले के बारे में बताया कि डेड एनिमल और प्लांट्स की जो बॉडी जेर जमीन धस जाती हैं तो इविचुअली ड्यू टू तो वेरियस केमिकल रिएक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर द अर्थ दोज बॉडीज गेट कन्वर्टेड इन टू कोल इसी तरह पेट्रोलियम भी ऐसे ही बनता है कैसे बनता है देवर फर्दर क्रश अंडर लेयर ऑफ मर्ड एंड ग्रेजुअली टर्न इन टू ऑयल तो अगर तो वो फर्दर क्रश हो जाए तो कोयले की जगह पे फिर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि ऑयल बनना शुरू हो जाएगा द ऑयल देन मूव फॉलोड अपवर्ड्स अंटिल इट रीच इज लेस ऑफ हार्ड रॉक्स एंड बिकम ट्रैप्ड अंडर द रॉक्स फिर वो चट्टानों में आपको मतलब चट्टानों तक पहुंच जाता है जेरे जमीन से निकल के चट्टानों तक पहुंच जाता है उसके बाद उन्होंने बताया कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं ये आप करेंगे लेकिन ये रेलिवेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एनर्जी सोर्सेज का पूछा है तो इसको मैं तो रिकमेंड करूंगी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन क्योंकि आपने सिर्फ बताना है कि कौन कौन से रीन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप यहां तक करें इसको सिर्फ उसके बाद ग्लोबल सर्च फॉर क्रूड ऑयल ये एक एथिकल टॉपिक है कि किस तरह वेरियस कंट्रीज आपस में झगड़ देंगे ऑयल की ऑयल की एक तरह की इजारा दारी हासिल करने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं इसको भी आप जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ही करें उसके बाद एल पी जी है सॉलमेंट्स है ये उसने काफी डिटेल में बताया है लेकिन इसको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं आप जस्ट ये फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ तक कर लीजिएगा इसको पढ़े जरूर लीजिएगा लेकिन आपने इतनी उसकी डिटेल में नहीं जाना उसके बाद है थर्ड फॉसिल फ्यूल जो है वो नेचुरल गैस है as the oil is formed under the bed of earth's surface by the biodegradation of plants and animals it also gives a large amount of natural gas jahape petrol due to biodegradation of plants and animals mahape gas we produce what this is also the chief source of hydrocarbons jistha petrol hydrocarbons sebhan is natural gas hydrocarbons natural gas varies greatly in composition सिक्सटी टू एट्टी परसेंट स्टूडेंट्स नेचुरल गैस में मिथेन होता है ये एक हाइड्रोकार्बन है जो स्टूडेंट्स तो साइंस के टर्म से अनटच हैं तो हाइड्रोकार्बन मिथेन को कहड्रो मिथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन है फिर इथेन भी हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन भी एक्चुअली अल्केन्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो आप इसको फर्दर डिटेल में मत जाएं बस आपने इसको एज अ नॉलेज के लिए पढ़ना है आपने इसको याद करना है मोस्ट ऑफ द नेचुरल गैस इज़ यूज फॉर फ्यूल ऑल द इनक्रीजिंग अमाउंट इज बींग यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर सिंथिस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गैनिक कंपाउंडस नैचुरल गैस इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं कि कुदरती गैस जो चूल्हों में आती है ना सिर्फ कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है बल्कि हम उससे बिजली भी पैदा कर रहे हैं नेचुरल गैस इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट एफिशेंट एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान एंड द फर्स्ट फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट सुई इन नाइनटीन फिफ्टी टू जो घरों में गैस इस्तेमाल होती है उसको हम कुदरती गैस की जगह पे सुई गैस कहते हैं क्योंकि वो बलोचिस्तान में सुई के मुकाम से दरियाफ्त हुई थी द नेचुरल गैस ऑफ पाकिस्तान हैज हाई मिथेन कॉन्टेंट यूजली सेवेंटी टू नाइनटी परसेंट

तो नॉलेज के लिए तब ये इसलिए कहा था कि आपने उसकी अब डिटेल में नहीं जाने लग जाना क्योंकि इतनी कोई टेक्निकल टर्म है नहीं आपने ये पूरे दो दो पैराग्राफ जो है कंप्लीट करने हैं यहां तक है स्टूडेंट्स ये उसके बाद है जी शुरू हो जाती है हाइडल पावर जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं यानी कि पानी से जो बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड एट अ पावर स्टेशन विदाउट बर्निंग कोल और ऑयल दिस इज डन विदेल्प ऑफ बिल्डिंग डैम्स एट एलिटेड एरिया जिन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर पानी स्टोर करके डैम बना लिया जाता है फिर उसी डैम जो पानी स्टोर होता है उसे हम बिजली पैदा करते हैं अ लार्ज डैम बिल्ट अक्रॉस रिवर स्टोर अमाउंट ऑफ वॉटर एज अ लेक द पावर स्टेशन कैन टर्न द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वॉटर इंटू कैनाटिक एनर्जी जब स्टूडेंट्स पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं कैनैटिक एनर्जी में और उसी एनर्जी को हम यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये यहां तक हो जाएगा उसके बाद उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकसिटी कैसे कैसे जनरेट हो रही है कौन कौन से डैम्स है ये यहां तक आप करेंगे ये कंप्लीट कर लीजिएगा इसको हाइडल पावर कंप्लीट कर लीजिएगा लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स को याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये वाला पैराग्राफ स्किप कर सकते हैं ठीक है कि आपने जैसे बताना है कि कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं तो ये तो पाकिस्तान के लिहाज से उन्होंने बताया है अगर वो भी अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही हो अदरवाइज आई विल नॉट रिकमेंड कि आप इसको स्किप करें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है इसको याद कर लीजिएगा उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी इज द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन मीट द डिमांड्स ऑफ मोर देन सिक्स बिलियन पीपल लिविंग ऑन द अर्थ ज़मीन की आबादी इस टाइम जो है वो तकरीबन छः अरब से ज़्यादा है तो न्यूक्लियर एनर्जी अकेला ही ये सारी जो अनर्जी की रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकता है अबाउट थर्टी नेशन यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी टू जनरेट वन सिक्स ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिकसिटी पूरी दुनिया में तीस कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरी दुनिया के जो एक एक बड़ा छः हिस्सा जो है इलेक्ट्रिकिटी का जरूरत का वो पूरा कर रहा है थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी ये न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताया है और फिर साथ ये बताया है कि न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी दो तरह के रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है एक फ्यूजन और एक फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन जो है यहां से